मैं इस खराब ड्रेस को कैसे बांधूं? एक्सक्यूज मी आना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, मुझे पता था यही होगा, मुझे पता था तुम इस क्लास को संभाल नहीं पाओगी, इसके लिए माफ करना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो अगली ड्रेस मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी उसका एक ढंग का क्लास्प होगा, ठीक आगे की तरफ। तुम कितनी खूबसूरत लड़की हो, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बिल्कुल सही नाप चुना है। चलो इस ड्रेस को सबको दिखा दे, पूरे परिवार को। अब चलो जल्दी चलो। ओह माय गॉडनेस, तुम कितनी सुंदर लड़की हो, सच में तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें नजर न लग जाए, मेरी बच्ची, मेरी कीमती बच्ची। चलो भी, वो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं थोड़ी देर के लिए लेट सकती हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए सफर से पहले। तुम लेटोगी और तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, लेकिन अब चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ड्रेस दिखानी होगी। अभी चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, मेरी प्यारी बच्ची मेरे साथ आओ। ये क्या गिरा, ये क्या है, हा? क्या है ये क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है? काफी देर हो गई उन्हें, एना को पैकिंग भी तो करनी है। उन्हें थोड़ा और वक्त देते हैं, मॉम ने वो ड्रेस सीने में इतनी एनर्जी और प्यार लगाया है। अगर एक लड़की नई ड्रेस पहनकर देख रही है तो वो बिल्लियों के लिए कैट ट्रिप की तरह है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ ग्रैंडमा उसे कैट वॉक करा रही होगी। मैं जाकर देख कर आती हूँ। ओके। वो क्या है, मुझे दो, मुझे वो चीज दो। आप कुछ गलत समझ रही है, सिर्फ मैटरनिटी बेल्ट है, मैं कसम खाती हूँ। मुझे वो दो, वो चीज मुझे दो। क्या क्या कैसे ये मैटरनिटी बेल्ट कैसे हो सकती है? इसने ये बेल्ट, ये मैटरनिटी बेल्ट नहीं है। शांत हो जाइए, क्या हुआ? ये देखो, ये पहना था उसने, ये मैटरनिटी बेल्ट है, ये बोल रही है, ये तुम्हें पता है ये क्या है? ये लो, रखो तुम, यकीन नहीं हो रहा है। जाइए। ओह गॉड, बेटा ये है तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी का पेट। सच में? ओह माय गॉड, ओह गुडनेस। माँ कहाँ है वो? दरवाजा खोलो। माय गुडनेस, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। तुम्हें सब कुछ बताना होगा, चलो। मैंने उसे अपना परिवार समझा, एक बेटी की तरह प्यार किया उसे मैंने। माँ मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन तुम प्रेग्नेंट थी ना? हाँ मैं प्रेग्नेंट थी, पर मेरा मिसकैरेज हो गया था। माँ, वैलेरिया जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। ओजाना, हाँ, जल्दी पानी लेकर आओ। ग्रैंडमा, माँ अपने आप को संभालो। माँ, ग्रैंडमा आपको क्या हुआ है? दादी माँ की तबीयत कैसी है? उन्हें लगता है ये एक स्ट्रोक है। मुझे माफ कर दो डेनिस, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। हर बार की तरह ये सच में मुझे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बता पाई। मैं बस, ये सब काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा खोने के बाद तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक कैसे कर सकती हो? मैं डरी हुई थी कि तुम सब मुझसे नफरत करोगे। मैंने सच में सोचा तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे बच्चे की मौत के लिए। मैं बेबी का फादर था, पर मुझे नहीं पता था कि वो है ही नहीं। सच बताओ ना, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा जब मैं तुम्हारे नकली पेट को छूता था? अपने बीबी को कहानी सुनाता था, क्या वो मजाक था? क्या वाकई